कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद लोधी ने आज नामांकन फॉर्म जमा किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अरविंद लोधी आज अनुविभागीय कार्यालय पहुंचे, जहां अरविंद लोधी ने एसडीएम अरविंद समादिया के समक्ष राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन फॉर्म जमा किया। कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद लोधी ने बताया कि भाजपा सरकार द्वारा जो भ्रष्टाचार पिछले 18 सालों में किया गया है, उस भ्रष्टाचार से जनता को मुक्त करना है। प्रत्याशी अरविंद लोधी ने कहा कि चुनाव में नहीं लड़ रहा, बल्कि पिछोड़ की जनता चुनाव लड़ रही है। अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो क्षेत्र में अमन और शांति बनाने का काम करूंगा, और जो विधायक केपी सिंह कक्काजू ने मुझ पर अपना विश्वास जताया है, उस विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा। यह मेरी पूरी कोशिश रहेगी। रणनीति तो पूरी तैयार है। ये चुनाव हम नहीं, ये पिछोर क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ रही है, और ये पूरे पिछोर क्षेत्र की जनता ही चुनाव लड़ेगी। सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होगी, और अभी हम जनसंपर्क में जा रहे हैं, गांव-गांव लोगों की जो समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं का आगे समय में समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। अभी आपके सामने है कि आवेदन यहाँ पर हो चुका है, मैंडेट हमारे पास है, और कोई फर्जी फ्रॉड तो कुछ भी के बोल सकता है, उसके लिए हम क्या कह सकते हैं। सबसे पहला जो मुद्दा है हमारा कि क्षेत्र में शांति रहना चाहिए, और जो सामने वाले कैंडिडेट हैं या जो प्रत्याशी हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो किस हिसाब से पूरा पिछोर क्षेत्र का माहौल बना के रखें, वो जनता समझ रही है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि अगर हमारी जीत होती है तो हम इस क्षेत्र में शांति रखेंगे, भाईचारा रखेंगे, सभी से मिलजुल के क्षेत्र का विकास करेंगे।